आज का दिन तस्दीर एहदे वफा का दिन है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया गया था और 6 सितंबर को पाकिस्तान बचाया गया। देख रहा है बिनो। पाक फौज के शेरदिल जवानों और गयूर कौम ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूल पाएगा। इन पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है भाई? पता नहीं, बातें कर रही है ये लोमड़ी भारत से जंग की, और खाने को मिलती नहीं इनको दो टाइम की रोटियां। 200 रुपए आटा कर दिया इन्होंने, चीनी 200 रुपए कर, कहां से ले? बिजली के बिल देखकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। जब पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेके, खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन और ये करेंगे जंग। अजी गुजरावाला में भी चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो आम आदमी का एनर्जी ड्रिंक है चाय, उसकी फी प्याली की कीमत में भी 200 रुपए इजाफा हो चुका है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहां से ले? कुछ नहीं कर, कुछ करना भी नहीं बेटा इन्होंने। बहुत महंगाई है, मजबूर हो गया, गरीब क्या करे, चाय पीने से भी आवाज़दार हो गया। ये हुकूमत ने तो चाय पीना भी दुश्वारी कर दिया हमारे लिए। जीने का हक ही छीन लिया, बम गिरा के एक दफा हमें क्यों नहीं है मार दे? गरीबों को मार दे, मार तो रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। एक टेंशन फ्री था, ये चाय पी रहे थे, इससे टेंशन दूर हो जाती थी, उससे भी हम गए। गरीब आदमी तो चाय पी के अपनी टेंशन दूर करता है, वो भी नहीं अब कर सकता। अब क्या बनेगा इस मुल्क का? कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता दिनों ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं। सरमायाकारों से आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ अमूर पर बराहे रास्त बातचीत की है। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फौज करप्शन करने वालों के पीछे जाएगी। ये आर्मी चीफ का काम होता है क्या? नहीं। बिजनेसमैन से मीटिंग करना? नहीं। करप्शन पर ज्ञान देना? नहीं। नहीं भाई बताओ मुझे, नहीं ये आर्मी चीफ का काम होता है क्या? नहीं। सिप्पा सालार ने डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ईरानी तेल की कराची में फरोख से मुतालिक जो वहां मौजूद कोर कमांडर कराची को इस मामले पर बकायदा वर्किंग करने की हिदायत भी कर दी, और शुरका को ये यकीन दिलाया है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग का सदेबाब किया जाएगा। मैं बता रही हूँ, दुनिया में जितनी भी कंट्री है सबके पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक अकेला वहियात मुल्क है जिसकी आर्मी के पास मुल्क है। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। अच्छा, आर्मी चीफ ने मुल्की मौशी हालात पर अपनी तश्वीश का इजहार करते हुए ताजरों और सरमायाकारों को यकीन भी दिलाया कि वो जल्द मुल्क के मौशी हालात को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छी मेरा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को चूर्णी लड़ाने वाली मिर्ची लगाने वाली न्यूज आई है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने मांग की है कि कारगिल के बॉर्डर खोल दिए जाए, वो इंडिया आना चाहते हैं। और इस टॉपिक पर पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया ने मुंह पर फेविकोल लगा लिया, लेकिन मैं पाकिस्तान में घुसकर उनके हल्क में हाथ डालकर ये न्यूज लेकर आई हूँ, तो सारे मिलकर बोलो यो यो किट्टू भाई। गिलगित बल्तिस्तान की जहां से एक ही नारा बुलंद हो रहा है कि हमें कारगिल की तरफ जाना है, और कारगिल कहां पे है? लद्दाख। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पे बकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, और फिर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों है। और लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, और ये ऐसा पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रहा, हर दो तीन महीने के बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान से यही नारा बुलंद होता है कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में नारा बुलंद हो रहे हैं इंडिया के साथ मिलेंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, अगर हमें राइट नहीं दोगे कारगिल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मेरा नजदीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को उसके हकूक नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो फिर बगावत करेगा। सही हो गया, ये मैं तो सबको कहना चाहूंगा आप खुद भी बगावत करें, ताकि इनको पता चले हुकूमत को कि यार बगावत कर रहे हैं, हमने इसको संभालना मुल्क को। क्या बगावत का टाइम आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है, बगावत करनी चाहिए। जितनी महंगाई कर दी है इनके, अपने पेट्रोल की पड़ी है, अपने हर चीज अपनी ऐशियों की पड़ी है, अवाम देखे पिस रही है महंगाई में, ठीक है। इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, उसके बजाय ये और महंगाई करी जा रही है। पेट्रोल देखे कहाँ पे आ गया, पेट्रोल तो पौन से बाहर हो गया, पौन से बाहर हो गया, हर चीज पेट्रोल की, क्योंकि हर चीज रिलेट करती है पेट्रोल से, ठीक है। और पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। जब पाकिस्तानी इंडिया का नारा लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये जो साजिश हो रही है, अपनी हरकतें हम देख नहीं रहे। साजिश नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके राइट्स नहीं मिल रहे हमें। अगर हम उनकी जगह पे जाके सोचे तो हमें पता चलता है कि वाकई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नारा लग रहा है कि हमने इंडिया के साथ जाना है जी,
लेकिन वो तो रियल नहीं है जो नारा लगा रहे हैं। क्यों रियल नहीं है? लाखों की तादाद में जो है लोग सड़कों पे हैं, और जो शिया मुस्लिम की तरफ से वीडियो जारी की है कि अगर हमारे राइट्स ना मिले तो हम कारगिल की तरफ जाएंगे। नहीं, वो जो है वो इंडिया ने खुद वहाँ पे उन लोगों को स्टे करवाया लोगों को, वो रियल नहीं है, वो एल तशी है ही नहीं है जो है। 2.5 लाख के करीब लोगों को इंडिया स्टे करवा सकता है, सोचने वाली बात है। भाई वो तो 70,000 एक शिप के अंदर जो शिप कर रहे हैं उधर, वो तो वहाँ के रहने वाले हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग। आपने उनका आईडी कार्ड देखा? हाँ, आईडी कार्ड देखा, गिलगित बल्तिस्तान के। वो रियल है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। कौन कहता रियल है वो? अच्छा, तो रियल नहीं है तो फिर वो हमारे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा जी, वो आपको आपको तो आपसे तो नहीं कर रहे वो, ये तो तकरीबन 1971 से कर रहे हैं, ये आपका नहीं है, 99 से देख लें, वो उसी पे साजिश कर रहे हैं। तो ये मसला आपको पता है चल क्या रहा है वहाँ पर? प्रोपोगंडा और क्या, वो रियल है ही नहीं है। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम की आपस में लड़ाई हो रही है, वो करवा रहे हैं, हो नहीं रही, वो करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? वो इंडिया वाले। और कौन करा रहे हैं? अगर इंडिया वाले करा रहे हैं तो हमारी फोर्सेस किधर हैं? ये भी तो पूछे ना फिर। फोर्सेस उधर नहीं जा सकती तो फिर किधर जाएंगी फोर्सेस? नहीं, वो जो खामोश है। हम तो कश्मीर के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है, अपने कश्मीर में रोडों का हाल देख ले, ना रोड, ना अस्पताल, ना रोजगार, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटीज। और अब वो समझ गए हैं, इसलिए वो बगावत पे उतर आए हैं। जाहरी बात है, कितनी देर वो सब्र करें? एक हद होती है, लिमिट होती है सब्र की भी। देखिए, पाकिस्तान में सिविल वॉर होने जा रही है, लाखों सुन्नी और शिया आमने सामने खड़े, कितने 7 दिन हो गए, रोड ब्लॉक है, जो वहाँ पे घूमने गए वो भी बेचारे वहाँ पर फंस गए, और सरकार कह रही है कि ये खबर दिखानी नहीं है टीवी पे। असल पता क्या, पहले मीडिया था, मीडिया जब दौर था ना नून लीग का या पीडीएम का दौर था, उस वक्त मीडिया बोलता था थोड़ी महंगाई। कोई नहीं, मीडिया बोलता सारा बिका हुआ। एक में मैं आपकी तरफ आती हूँ, महंगाई होती थी उस वक्त मीडिया बाहर निकलता था। अब महंगाई हुई, मीडिया क्यों नहीं बाहर निकला? मीडिया तो बिका हुआ है, कैसे निकलेगा भाई? बिका हुआ तो उसको क्या करें? हम जैसे लोग आजाद है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बिका हुआ है ना, असल में हमारे ऊपर शुरू से लेकर बैठा हुआ है अंग्रेज। अंग्रेज की जान छोड़ दें, अंग्रेज ने 1947 में हमें अल्लाह हाफिज कह दिया था। अभी वही बैठे, वही पॉलिसी जा रही है। 1947 में इंडिया ने भी अल्लाह हाफिज कह दिया था। अदालत का कहना क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों नहीं अदालत का कहना मानते? वो तो आप अपने मंगर बच्चों से पूछा जो रखे। परवेज इलाही को एक दफा छुड़ा है, यहाँ लाहौर में आके गिरफ्तार कर लिया, वही उसी आर्मी ने दोबारा गिरफ्तार करवा लिया, क्यों? तो चलो, ये टॉम एंड जेरी शो है, दुनिया देख ही रही है, सबको पता है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो सुन्नी और शिया का आप इतना कह रहे हैं, बेसिकली हमने शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जब से हम मुसलमानों ने शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं, तब से ये तनाजा जो चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे जब तक हम एक कुरान पे, एक हदीस पे और अहले बैत पे अमल नहीं करेंगे, उनकी जो हदीस पे, उनकी सुन्नत और रसूल पे अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये तनाजा चलते रहेंगे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों कह रहे? वो भी कलमा पढ़ने वाला, हम भी सुन्नी कहते हैं, शिया काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, और एक काफिर ही काफिर मुसलमान को कहता है कि तू मुसलमान है। बात यहाँ पे सारी पेट की है। अब अगर सुन्नी उलमा है वो बता दे कि हक बात क्या है, उनका पेट जाता है तो अपनी अकल किधर है? सुनी सुनाई बातों पे क्यों अमल करते? यही तो बात है सारी आवाम की, यही तो बात है। मैं यही करना चाह रहा हूँ कि अपनी जो शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू छोड़ें और जो कुरान हदीस पे अमल करें, उनको पता चले कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कहना चाह रहा है कुरान के अंदर। तो वीडियो आपने देख ही लिया, वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में पेल दो। और हाँ, पाकिस्तानियों को डबल पेल कर जाना, और पिलाई चंद्रयान तक जानी चाहिए। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।